दुर्गा सिंह ने मुझे फंसा दिया है, मुझे फंसा दिया है। मैं तुम्हारी मजबूरियों को समझ रहा हूँ बाबा जी, तुम मेरे निर्दोष होते हुए भी दोषी बना दिए गए हो। साथियों, सबसे पहले बाबा जी के हाथ और फैल के इस जुर्म की जंजीर को खोल कर इनको आजाद कर दिया जाए। अबे और आसान किया, जिंदगी जिंदगी से आजाद कर दिया मुझे। शब्बाश बच्चे शब्बाश। बाबा जी, मैंने तुम्हें आज जुर्म की जिंदगी से तो आजाद कर दिया है, लेकिन आज मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ। तुम ऐसे हालात में कहाँ जाना चाहते हो और क्या करना चाहते हो बाबा जी? आपके दिल के अंदर एक ही तमन्ना है, दुर्गा सिंह ने मुझे फंसाया है, कत्ल का आरोप मेरे सर पर लगाया है। इस दुर्गा सिंह से अपना बदला चुकाऊंगा और दिव्यांग वासियों को यह मालूम कर दूंगा कि हमने महाराज इसका कत्ल नहीं किया था। तुम्हारे कहने का मतलब मैं समझ गया बाबा जी, बदले की भावना तुम्हारे दिल के अंदर भरी है, तुम सिर्फ दुश्मनों से बदला चुका। बाबा जी, तुम्हारी मुरादें मैं पूरा करूंगा। सचो ले हमारी बच्चे। बाबा जी, आज मैं तुम्हें एक तोहफा दे रहा हूं, तुम उस तोहफे को कबूल कीजिएगा। मेरो और हाँ बाबा जी, आज आपने अपने हाथों में बंदूक तो उठा लिया है, लेकिन बंदूक उठाने से पहले एक बात का तुम मुझसे वादा करो कि तुम्हारी बंदूक की गोली सिर्फ उन्हीं इंसानों पर चलेगी जो खूनी कातिल और परिंदे होंगे। किसी लाचार, किसी मजबूर, किसी असहाय पर तुम्हारी बंदूक की गोली नहीं चलेगी। वादा की बच्चे, मैं वादा करता हूँ कि इस बंदूक का इस्तेमाल सिर्फ दोषियों पर करूंगा, राज के कतारों पर करूंगा, किसी भी बस या लाचार या गरीब पर इसका इस्तेमाल कतई नहीं करूंगा। नहीं करूंगा। अगर तुम्हारे ऊपर कोई संकट या कोई बला आती है तो तुम मुझे याद करना, मैं तुम्हारी हर मदद करूंगा। आपको जाने के लिए इजाजत दो, क्योंकि अंडे पर पिताजी हम लोगों का इंतजाम कर रहे हैं। जाना चाहते हो, लेकिन जाने से पहले मैं तुमसे कुछ जानना चाहता हूं। बात बताइए, तुम्हारा शुभ नाम क्या है और तुम्हारे पिताजी का शुभ नाम क्या है और कहां के रहने वाले हो तुम? बाबा जी, आपने मेरा नाम और पता पूछा है तो मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा कि मेरा नाम क्या है, मैं रहता कहां हूं और किसका बेटा हूं। तो सुनिए बाबा जी, मैं भी हल्के सरदार डॉक्टर कुंदन सिंह का बेटा हूं, लोग मुझे डॉक्टर कुंदन सिंह के नाम से जानते हैं। अच्छा, तो तुम डॉक्टर कुंदन सिंह के बेटे डॉक्टर सिंह हो? हाँ हाँ बाबा जी, ठीक है। आज तुम्हें देखकर मुझे अपने बच्चों की याद आ रही है, अगर आज मेरे लग के जिगर मेरे समक्ष होते तो तुम्हारी उम्र की होती, तुम्हारी पत्ति होती, लेकिन अफसोस अफसोस। तुम्हारी आंखों से आंसू नहीं निकलने चाहिए। कहा है तुम्हारे बच्चे? अपने बच्चों का एक बार नाम और पता मुझे बता दो। मां भवानी कसम, 24 घंटे नहीं बीतने दूंगा कि तुम्हारे बच्चों को लाकर तुम्हारे कदमों में डाल दूंगा। कहा है तुम्हारे बच्चे? क्या नाम है तुम्हारे बच्चों का? मुझे या मुझे खुद मालूम नहीं है कि मेरे बच्चे कहां है, तो मैं तुम्हें उनका पता क्यों बताऊं? बाबा जी, अगर तुम्हें अपने बच्चों के बारे में तुम्हें कुछ मालूम नहीं तो मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? क्या मदद कर सकता हूँ? मेरे सामने मेरे बेटे नहीं है, लेकिन क्या हुआ, तुम मेरे बेटे बनकर बेटे का प्यार तुम मुझे दे सकते हो। करिए आज के बाद मैं तुम्हें अपना धर्म का बेटा मानता हूँ, अपना धर्म का बेटा। आज तुमने मुझे किस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया, मुझसे कुछ कह नहीं जाता है। ठीक है बाबा जी, मुझे आपने अपना धर्म का बेटा बनाया,
तो मैं तुम्हें अपना धर्म का पिता मानता हूं, पिता का फर्ज अदा करोगे और मैं एक बेटे का फर्ज अदा करूंगा। किस जगह पर तुम्हारा पसीना गिरेगा माफवाली कसम मैं अपना खून बहा दूंगा, तुम्हारे ऊपर किसी प्रकार की कोई आंच नहीं आने दूंगा। शब्दास नीतीश शब्दास दिल्ली बाबा जी, अब तो मुझे अपना आशीर्वाद दो और मैं जाना चाहता हूं। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ सदैव रहेगा, जाओ सदा खुश रहे, खुश रहे, आइए मेरे मेजों का प्लो। हम लोग इसी वक्त प्रस्थान करते हैं अपने अड्डे पर चलने की तरफ। शेरबा भोली आए सोचो ये इतना हो रहा बच्चा मेरी इतनी मदद की है, हमारी सहायता की है, और इस बच्चे के लिए अगर भविष्य में भी कभी मुझे अपनी जान देनी पड़ जाएगी तो आज से जो मैं इस बच्चे के लिए अपनी जान दे दूंगा। तो मैंने इसे अपना धर्म का बेटा भी मान लिया है, देखेगा प्यार मिलेगा इससे मुझे। लेकिन आप तो मुझे पहले इस शराम छबे तिरंगा सिंह से अपना बदला छुपाना है। आज चलता से वो हराम जादे निर्मला जो अपने परिवार के पैस पैस करवा के दुर्गा सिंह के साथ तालमेल मिलाकर आज महारानी बन गई है, और दुर्गा सिंह हराम जादा महाराज बन गया है। आज सब तो बचे थे तो, लेकिन मैं अब तुम दोनों को छीन नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि आजा हो गया है निर्भय सिंह। नहीं आज तक मेरा नाम था निर्भय सिंह, लेकिन आज के बाद ये नाम नहीं होगा, क्योंकि मर गया निर्भय सिंह। आज के बाद पैदा हो गया एक जंगल का शेर सिंहों का राजा, और नाम होगा डाकू बागी सूर्या। डाकू बागी सूर्या सूर्या बनूंगा, बता दूंगा दुश्मनों को चलता हो जंगल की तरह। जय बाप हमारी, जय बाप हमारी। हमारे इस विक्रम का राज्य में हाँ प्रजा को किसी प्रकार का कष्ट नहीं है, किसी को किसी प्रकार का कष्ट नहीं है, ऐसा ही लेना चाहिए। लेकिन हाँ हमारे इस विक्रम का राज्य में इस वक्त सेनापति की जगह खाली है, खाली है। कोई नौजवान अगर आप मिल जाता तो हम सेनापति की नौकरी दे देते, ये बात है, तो हमारा सारा काम चलता। क्यों नहीं, ठीक है, हम बैठ कर सोचते हैं। हाँ आइए बैठिए। सरकार की जय हो, कलाकार की जय हो। हो रहते कहाँ हो बेटा, रहते कहाँ हो बेटा, क्या नाम है तुम्हारा, रहते कहाँ हो यहाँ पर
यहाँ पर क्या काम है तुम्हारा, आए हो तुम यहाँ पर। क्या नाम है मेरे पत्नारा, और किसलिए आए हो, अच्छी बात क्या है। और रहता इसी नगर में, रहता इसी नगर में, कहीं काम ना मुलाजिम रख ली गए सरकार। और रहूंगा हर दम ताबेदार, मिल जाए गर नौकरी, मिल जाए सहारा, तो फिर मेरी लग जाए किनारा। अर करी मैं हर दम जय जयता, करी मैं हर दम जय जयता, और मुलाजी मैं रखनी जय तेरा उपकार, और करूंगा मैं तेरा उपकार, और रहोगे जीवन भर खुशहाल करूंगा। मिल जाएगी नौकरी और मिल जाएगा काम, मिल जाएगी नौकरी और मिल जाएगा काम, तेरी युवती नाव का मैं सेवन भार करूंगा, मैं तेरा उपकार, और करूंगा मैं तेरा उपकार, और रहोगे जीवन भर खुशहाल करूंगा। नौजवान तुम्हारा नाम क्या है, नाम बताइए, तुम आखिर आए हो किस लिए और तुम्हारा नाम क्या है। वो तो आप जान ही गए हैं कि किस लिए आया हूं। बहरहाल परिचय पत्र लीजिए। दरअसल बात ऐसी है कि मेरा नाम रूप सिंह है, रूप सिंह, और मैं आपके इसी विक्रमगढ़ का ही रहने वाला हूँ। अच्छी बात है। ये मेरी बदकिस्मती है कि पढ़ने लिखने के बावजूद भी आज तक हमें कोई नौकरी नहीं मिली है। बड़ी मेहरबानी होगी सरकार अगर आप हमें कोई काम धंधा दे देंगे तो। मिलेगी नौकरी, अवश्य मिलेगी। अगर पढ़े लिखे हो तो पढ़े लिखे इंसान के लिए तो नौकरी मिलती ही है। देखो हमारे इस विक्रम बदले, हमारे इस विक्रम बदले तो नफरत की जगह खाली है। आज से हम तुम्हें इस विक्रम बद का सेनापत युद्ध करते हैं। जय हो, जय हो, सरकार की जय हो। आपने हमें अपने मुल्क का सेनापति नियुक्त किया, मैं जीवन भर आपका ये उपकार नहीं भूलूंगा। बहुत सही, बहुत सही लड़का है मालिक। हमने आपको बहुत नाम सुना था। अच्छा, कि आपका दिल दरिया है सरकार। हाँ मालिक, दरिया है उसका समुंदर है मालिक। तारीफ मत करो, कहना क्या चाहते हो। ये हमारे भैया, इनका नाम रूप सिंह है।
जी, हमारा नाम ध्रुव सिंह है। ध्रुव सिंह? हाँ मालिक, नौकरी के तलाश में आए हैं। तुम भी नौकरी करना चाहते हो? हाँ मालिक। अच्छा, तुम भी पढ़े लिखे हो? हाँ मालिक, बहुत पढ़े। बहुत पढ़े? मैं पढ़ाई में स्कूल खत्म हो जाएंगे। ये कैसी पढ़ाई? अरे मालिक, स्कूल के बाद छोड़ो, जौने दिन स्कूल जाते रहे डेरन के मारे मास्टर स्कूल होते ही नहीं रहे। यही तुम्हारे घर से? मैं जैसे इतना पढ़े लिखे, लेकिन कितने क्लास पढ़ रहे हो? मालिक बहुत पढ़े नहीं है, सिलाई के हुआ हुआ तक। सही अंतर दिखा रहा है, यानी अंतर है ये, इसे कोई अनपढ़ के हिसाब से नौकरी दे दो। इनके इनका नौकरी हम ही दे। ज्यादा पढ़े हो? बहुत पढ़े हैं। नौकरी करोगे? हाँ, चाहे जो करूँगा। ये बताओ, चोरी कर लिए हो? नहीं यार, चोरी नहीं, बढ़िया नौकरी बताओ यार। तो चोरी वोरी वाला नहीं है। चलिए ठीक है, आपके ये भैया है रूप सिंह? रूप सिंह। आप रूप सिंह? तो सुनिए मिस्टर धूप सिंह, आज से तुमको मुनीम गिरी का काम सौंपा जा रहा है। मुनीम गिरी यानी मुंशी गिरी। मुंशी गिरी, बिहार की जय हो। जय हो, जय हो, जय हो भैया। क्या कौन तरह बोल छुआ था? कोई बात नहीं, तुम दोनों लोगों जाओ और कल सुबह 10 बजे से अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर लेना। चलो चलो रोशन, मैं कुछ जिम्मेदारी की प्रश्न करना चाहता हूँ। जी जी बोलिए। देखिए, हमारे विक्रमगढ़ में, इस विक्रमगढ़ राज्य में भूतपूर्व काल सेनापति निर्भय सिंह रहते थे। महाराज विक्रम सिंह ने उनके हाथों में खुफिया खजाने का नक्शा दिया था। ये उस नक्शे की तुम्हें खोज करना है, तलाश करना है, और जैसे ही तुम्हारे हाथ वो नक्शा लग जाए, बाईमानदारी वो लाकर मेरे हाथों में देना होगा। ये जिम्मेदारी मैं तुझे सौंपता हूँ। हाँ समझ गए, समझ गए। बड़ा नाम सुना है सेनापति निर्भय सिंह का, उनके हाथों में इस विक्रमगढ़ का खुफिया खजाने का नक्शा है। हमें उस नक्शे की तलाश करनी है और नक्शे की खोज करके लाकर आपके हाथों में सौंपना। सौंपना है नक्शा? लाओ, बक्सा खाली है। सरकार, समझ लीजिए कि आपका काम हो गया। हाँ, जान की बाजी लगा देंगे हम, और बहुत जल्द विक्रमगढ़ का खुफिया खजाने का नक्शा आपके हाथों में होगा। क्या बात, जाओ, तुम्हारी हमेशा पूजा हो। अगर नक्शा यदि सिंह नक्शा लाकर मेरे हाथों में देगा तो हमारे दिल की जो उम्मीद है, जो हमारे दिल की कली है, खुल जाएगी, सारी दौलत मिल जाएगी, हमारी जिंदगी में 4 चांद लग जाएंगे, हम माला माल हो जाएगा, हमारे पास अपार दौलत हो जाएगी। ठीक है, अब हम चलकर इंतजार करते हुए इस रुपया खजाने के नक्शे को नक्शे के चक्कर में हमहू पड़े हैं। इनके नौकरी कर रहे हाथी के कब तक? जब तक नक्शा मिल नहीं रहा। नक्शा मिला नहीं कि बिहारी लाल बिहार गए नहीं। नक्शा लेके फिर जाओ, अब इंतजार है शिव रूप सिंह के आने का। चल रहे हैं, अरे राधा कान्हा से, ये राधा कान्हा से लल गए नजरिया, ये राधा ले तो जाए, राधा कान्हा से नजरिया।
कि हमारे इस बिहार का सरदार डाकू बागी पूर्णा है और पूर्णा का आने का समय हो गया है। लग जाओ अपनी अपनी जगह पर। महाकाल का और ये जमाना जमाना है, ये जमाना जमाना है और जमाने में दम नहीं। जमाना तो हमसे है, हम जमाने से नहीं। साथियों आज बन गया है एक खोखार इंसान, एक डाकू जिसका नाम है बागी सूर्या। और कब तक सूर्या रहूंगा? जब तक अपने दुश्मनों को मिटा नहीं दूंगा, इस राज्य के कतारों को समाप्त नहीं कर दूंगा, तब तक ये सूर्या चैन से नहीं बैठेगा। ये मेरी असल प्रतिज्ञा है। चंद्र सिंह और हराम जागे निर्मला की वजह से आज इसी रास्ता का इंसान डाकू बन गया है। मिटा दूंगा चंद्र सिंह, समाप्त कर दूंगा निर्मला, साइंस से नहीं बैठूंगा मैं। मेरी बात साथ ध्यान से सुनो।
साथियों, आज का मेरा लक्ष्य है इस शराब शादी दुर्गा सिंह का खात्मा। आओ चलते हैं, हजार चादे को मिटा कर वापस आते हैं, इसके लिए तैयारी कर लो, घोड़े निकालो, बंदूक उठा लो, तलवारें ले लो, गोलियां ले लो और लाइट मशीन गन यानी एमजी है कनेक्ट मेरे नाजरी और तोते चलता है राम चादे के पास। अरे हमको बड़े गौर से देख रहा हमारे चेहरे को। नहीं नहीं, अरे लंगड़िया सही बात करे नहीं, आपके चश्मा बहुत सही जम रहा है। वैसे उस दिन जो देश से महाराज की पत्नी वो पोती को लेकर कहां पे डाला था? ओ महाराज की बेटी को। हाँ, चार नंबर कमरे में बंद है। चार कमर नंबर पर जी, जाओ से लेकर हमारे पास आओ। ठीक ठीक, आइए बैठिए। जब से हम पैदा हुआ है इतनी खूबसूरत लौंडिया नहीं देखा है रे। आज हम इससे प्यारी प्यारी बातें करूंगा। मंत्री जी, कहना क्या चाहते हो? मैं ये चाहता हूँ खूबसूरत हो और युवती तू तो बड़ी, अरे नाचक